Girls, today we are going to start our first lecture of second year biology, and this lecture consists of chapter number 15, which is homeostasis. So now let's start with this chapter. What is homeostasis? Basically, सबसे पहले हम होम्योस्टेसिस को लिविंग ऑर्गेनिज्म एक जनरल ओवरव्यू देंगे कि होम्योस्टेसिस का मतलब क्या होता है. तो गर्ल्स, तमाम लिविंग ऑर्गेनिज्म, चाहे वो प्लांट है, एनिमल है या ह्यूमन बीइंग है, तमाम लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने अंदर के इंटरनल इन्वायरमेंट को बैलेंस रखना चाहते हैं. कहाँ से किस तरह बैलेंस रखते हैं? होम्योस्टेसिस की मदद से. और उन्हें क्यों बैलेंस रखने की ज़रूरत पेश आती है? क्योंकि वो ऐसे इन्वायरमेंट में रह रहे हैं जो एक एक्सटर्नल इन्वायरमेंट है, और वहाँ पर रोज़ाना की बेसिस पर फ्लक्चुएशंस हो रही होती हैं. अब ये फ्लक्चुएशन इंटरनल इन्वायरमेंट पर भी असरअंदाज होती हैं. तो होम्योस्टेसिस इस एक्सटर्नल फ्लक्चुएशन से या एक्सटर्नल चेंजेस से अंदर के इन्वायरमेंट को बचाने के लिए वर्क करता है. लेट्स डिस्कस टुडेज लेक्चर पॉइंट. फर्स्ट ऑफ ऑल, वी विल स्टडी बैकग्राउंड ऑफ होम्योस्टेसिस. Concept of homeostasis, related terminologies including internal environment, external environment, intracellular, extracellular, and then agents of homeostasis. इन एजेंट्स को कंपोनेंट्स भी कह सकते हैं. इन एजेंट्स में ऑस्मोरेगुलेशन है, थर्मोरेगुलेशन है और एक्सक्रीशन है. ये बहुत मेजर इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे होते हैं होम्योस्टेसिस में. तो इनके बारे में हम जस्ट अभी इनकी डेफिनेशन पढ़ेंगे, वरना ये पूरा चैप्टर इन्हीं पर ही बेस करता है. उसके बाद हम कंट्रोल सिस्टम पर आएंगे कि ये एजेंट्स कंट्रोल सिस्टम पर बेसिकली डिपेंडेंट हैं. तो हम कंट्रोल सिस्टम को डिटेल में स्टडी करेंगे कि वो अपना फंक्शन कैसे परफॉर्म कर रहा होता है होम्योस्टेसिस को मदद देने के लिए. ये इस चैप्टर के 1.5 पेज है, और इसी को ही हमने बेसिकली आज के लेक्चर में कवर करना है. व्हाई होम्योस्टेसिस इज नेसेसरी. सबसे पहले हम ये देखेंगे कि होम्योस्टेसिस क्यों ज़रूरी है लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी के लिए. और इसको समझने के लिए सबसे पहले हम ये देखेंगे कि होम्योस्टेसिस का क्या बैकग्राउंड है और एवोल्यूशनरी हिस्ट्री क्या रही है. तो गर्ल्स, बेसिकली एवोल्यूशनरी हिस्ट्री में, जैसा कि हम फर्स्ट ईयर में पढ़ाए हैं, ऑर्गेनिज्म मूव करते हैं फ्रॉम सिंप्लिसिटी से कॉम्प्लेक्सिटी की तरफ, और इसी के साथ साथ सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन भी एडवांस होते जाते हैं. जैसे पहले सेल्स थे यूनियन सेलुलर ऑर्गेनिज्म में, सिंगल सेल्स थे, फिर आहिस्ता आहिस्ता सेल्स ने मिलकर टिश्यूज़ बनाए, टिश्यूज़ ने मिलकर ऑर्गन, ऑर्गन ने म्यूचुअल कोऑर्डिनेशन से ऑर्गन सिस्टम बनाए, और फिर ऑर्गन सिस्टम ने आपस में म्यूचुअल कोऑर्डिनेशन करके ऑर्गेनिज्म डेवलप किए. ठीक है, तो ये जैसे जैसे सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन बढ़ती चली जा रही है, लिविंग ऑर्गेनिज्म ने हर लेवल पर कंट्रोल रखने के लिए होम्योस्टेसिस का सहारा लिया होता है. ठीक है, हम इसे आगे डिटेल में पढ़ेंगे कि हर लेवल पर कंट्रोल सिस्टम मौजूद होते हैं जो बाहर के एक्सटर्नल फ्लक्चुएशन से इंटरनल इन्वायरमेंट को बचा रहे होते हैं. हम नेक्स्ट है गर्ल्स, हमने ये देखना है कि तमाम ऑर्गेनिज्म को जब एक्सटर्नल फ्लक्चुएशन का सामना होता है तो वो क्या करते हैं. बेसिकली तमाम ऑर्गेनिज्म रिजिस्ट करते हैं जितनी भी फ्लक्चुएशन एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में वो फेस कर रहे होते हैं. तो रिजिस्ट कैसे किया जाता है? रिजिस्ट करने के लिए बेसिकली होम्योस्टेसिस ही की मदद ली जाती है. और होम्योस्टेसिस क्या करता है? बैलेंस रखता है, कोई भी बाहर से आने वाली चेंज को अंदर के चेंज पर असरअंदाज नहीं होने देता. और अगर होता भी है कोई अगर अंदर चेंज, तो वो नैरो रेंजेस में रहता है. नाउ लेट्स डिस्कस द कॉन्सेप्ट ऑफ होम्योस्टेसिस. द वर्ड होम्योस्टेसिस ओरिजिनेटेड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड इन विच होम्यो मीन्स सिमिलर एंड स्टेसिस मीन्स स्टेट. सो इट्स मीन्स सिमिलर स्टेट. Homeostasis helps in maintaining the constant internal environment inside the cell during changes in external environment outside the cells. तो होम्योस्टेसिस के लिए हमने जैसे कहा था कि वो बैलेंस रखता है, इसी तरह हम उसे दूसरे अल्फाज में कहेंगे कि ये कॉन्स्टेंट इंटरनल इन्वायरमेंट रखता है. इसके अलावा टू कीप बैलेंस इन हाइपो और हाइपर सिचुएशन इन सराउंडिंग. साथ में आपको ये डायग्राम नज़र आ रही है, और इसमें तीन प्रिज्म्स दिखाए हुए हैं, और इसमें जो मिड वाला प्रिज्म है उसमें कंडीशन एक बैलेंस्ड है, और इसी को ही हम कहेंगे कि ये इसके अंदर नॉर्मल होम्योस्टेसिस है. जबकि फर्स्ट वन और थर्ड वन जो है वो इम्बैलेंस सिचुएशन को शो कर रहे हैं. जो फर्स्ट वन है उसमें हाइपो सिचुएशन दिखाई गई है. हाइपो का मतलब होता है टू लिटल, और हाइपर का मतलब होता है टू मच. हाइपो मीन्स टू लिटल, मीन्स अगर एक्सटर्नल इन्वायरमेंट कोई भी चीज़ इंटरनल इन्वायरमेंट को प्रोवाइड कर रहा है और वो ज़रूरत से कम है, तो हम ये कहेंगे कि ऑर्गेनिज्म हाइपो सिचुएशन में है, और वो उसके अगेंस्ट वर्क करेगा. कि अगर उसे कम चीज़ प्रोवाइड की जा रही है तो वो उसके अगेंस्ट उस चीज़ को ज़्यादा करने की कोशिश करेगा, मतलब बैलेंस करेगा, जिसकी वजह से वो होम्योस्टेसिस को बरकरार रख सके. थर्ड सिचुएशन में
हाइपर सिचुएशन दिखाई गई है। इसमें अगर एक्सटर्नल इन्वायरमेंट ऑर्गेनिज्म को ज़रूरत से ज़्यादा चीज़ प्रोवाइड करे जैसे वाटर, टेम्परेचर, सॉल्यूट, तो उसे अगेन इम्बैलेंस का अंदेशा होगा और इम्बैलेंस के नतीजे में वो क्या करेगा, वो ऑपोजिट वर्क करेगा, उस चीज़ को कम करने की कोशिश करेगा। लेकिन यहाँ पर हमें ये बात भी देखनी है कि जो होम्योस्टेसिस है वो इंटरनल इन्वायरमेंट को फिक्स नहीं करता, मतलब उसे किसी एक खास पॉइंट पर नहीं रख सकता, ये इम्पॉसिबल है इतनी एक्सटर्नल फ्लक्चुएशन में जो इतनी इनविटेबल होती है, क्योंकि फ्लक्चुएशन किसी न किसी हद तक इंटरनल इन्वायरमेंट को नुकसान या आप ये कह सकते हैं कि उस पर असरअंदाज हो रही होती हैं। जैसे हमारी बॉडी का टेम्परेचर 36 से 38 के दरमियान रखा जाता है, ये किसी एक खास वैल्यू पर फिक्स नहीं हो सकता, तो इस वैल्यू को हम ये कहते हैं ये नैरो रेंज है, या हम इसे ये कहते हैं टॉलरेबल रेंज है। रिलेटेड टर्मिनोलॉजी डिस्कस करने जा रहे हैं एक्सटर्नल इन्वायरमेंट और एक्स्ट्रा सेलुलर इन्वायरमेंट। ये जो डेफिनेशंस हैं इसकी, एक नाम से ही जाहिर है एक्सटर्नल का मतलब होता है आउटसाइड द सेल और एक्स्ट्रा सेलुलर का भी मतलब होता है एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। तो अगर ऑर्गेनिज्म यूनिसेलुलर है तो उसके बाहर का जो इन्वायरमेंट होगा वो हैबिटेट या एटमोसफेयर होगी, जैसे एक्वाटिक होगी, टेरेस्ट्रियल होगी। लेकिन अगर वो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है तो गर्ज उसके एक्सटर्नल इन्वायरमेंट को हम थोड़ा और स्पेसिफाई कर देते हैं, हम इसको इसके लिए एक्स्ट्रा सेलुलर की टर्म यूज़ करते हैं और इसके अंदर वेस्कुलर और इंटरस्टिशियल फ्लूइड्स शामिल हैं। मतलब अगर इंटरस्टिशियल फ्लूइड है तो वो कौन सा इन्वायरमेंट है, ये एक्स्ट्रा सेलुलर इन्वायरमेंट है, मतलब एक्सटर्नल इन्वायरमेंट है। और ब्लड को भी हम एक्सटर्नल इन्वायरमेंट या एक्स्ट्रा सेलुलर इन्वायरमेंट कह सकते हैं। इसके बाद है इंटरनल इन्वायरमेंट। जो इंटरनल इन्वायरमेंट है वो इनसाइड द सेल मौजूद होता है और इसके अंदर और जो कंपोनेंट्स हैं इसी के ही, उसमें सॉल्ट, वाटर और टेम्परेचर है। ये तीन कंपोनेंट्स गर्ल्स सबसे ज़्यादा ससेप्टेबल होते हैं एक्सटर्नल फ्लक्चुएशन से, ठीक है। मतलब क्या है कि एक्सटर्नल फ्लक्चुएशन सबसे ज़्यादा इन कंपोनेंट्स पर असरअंदाज होती हैं, तो इस वजह से हम ये कहते हैं इसी कि ये ससेप्टेबल है अलोंग विद द नाइट्रोजनस वेस्ट, वो भी आप इसमें मेंशन कर सकते हैं। इसके बाद लास्ट टर्म है हमारे पास स्टिमुलस। स्टिमुलस का क्या मतलब है कि कोई भी अगर चेंज आ रहा है इन्वायरमेंट में तो उसे हमारी बॉडी एज ए स्टिमुलस रिसीव करती है, मतलब कोई भी चेंज इन्वायरमेंट में आएगा तो वो स्टिमुलस कहलाएगा, ठीक है। द डेफिनेशन ऑफ होम्योस्टेसिस, वॉट इज होम्योस्टेसिस, इट इज डिफाइंड एज इट इज बेसिकली द प्रोटेक्शन ऑफ इंटरनल इन्वायरमेंट फ्रॉम द हार्म्स ऑफ फ्लक्चुएशन इन एन एक्सटर्नल इन्वायरमेंट इज कॉल्ड होम्योस्टेसिस। इसमें कुछ हाईलाइट की गई हैं टर्म्स, वो की वर्ड्स होते हैं होम्योस्टेसिस के, इसकी डेफिनेशन के की वर्ड्स हैं और इसके बगैर ये डेफिनेशन इनकम्प्लीट है। तो होम्योस्टेसिस का मकसद क्या है, ये बचा रहा है, प्रोटेक्ट कर रहा है किसको, लिविंग ऑर्गेनिज्म के इंटरनल इन्वायरमेंट को, किससे, जो भी फ्लक्चुएशन एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में आ रही हैं उनके हार्म से बचाना होम्योस्टेसिस का काम है। So here comes the agents or components of homeostasis. Basically, homeostasis has three components or agents. Homeostasis independent नहीं है girls. Homeostasis depend करता है अपने function के लिए इन तीन components पर जो कहलाते हैं osmoregulation, excretion और thermoregulation. So what is osmoregulation? Osmoregulation basically it is the mechanism of regulation generally between organism and its environment of solute and gain and loss of water. तो main इसके keywords क्या हैं कि ये regulation है किसकी, solute की और water की, किसके दरमियान, external और internal environment के दरमियान। Next is the excretion. It is the mechanism which eliminates nitrogenous waste. तो girls ये excretion जो है वो इजेशन से डिफरेंट है। इजेशन इज बेसिकली रिमूवल ऑफ डाइजेस्टिव वेस्ट फ्रॉम द बॉडी, बट एक्सक्रीशन इज बेसिकली द एलिमिनेशन ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट फ्रॉम द बॉडी। नाइट्रोजनस वेस्ट आते कहाँ से बॉडी में, जैसे ही जब प्रोटीन का इंटेक होता है तो उसकी मेटाबॉलिज्म स्टार्ट होती है, तो डिग्रेडेशन के दौरान नाइट्रोजनस वेस्ट बनते हैं जिनको बॉडी से एक्सपेल करना बहुत ज़रूरी होता है। अगर ये एक्सपेल नहीं होंगे तो बॉडी का सर्वाइवल मुमकिन नहीं रह सकेगा। इसके बाद है थर्मोरेगुलेशन। थर्मोरेगुलेशन बेसिकली क्या है, इट इज़ द मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल टेम्परेचर विद इन टॉलरेबल रेंज। ये टॉलरेबल रेंज क्या है, ये हर ऑर्गेनिज्म की टॉलरेबल रेंज दूसरे ऑर्गेनिज्म से मुख्तलिफ होती है। टॉलरेबल रेंज का मतलब ये होता है कि वो ऑर्गेनिज्म किसी भी एक्सटर्नल फ्लक्चुएशन को फेस करने की कितनी सलाहियत रखता है, उसके अंदर कुव्वते बर्दाश्त कितनी है। जैसे अगर कोई भी ऑर्गेनिज्म मॉडरेट अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर में रह रहा है तो वो ड्राउट कंडीशन में उसका रहना मुमकिन नहीं होगा, ठीक है। तो हर एक की टॉलरेबल रेंज दूसरे से मुख्तलिफ होती है। आगे हैं कंट्रोल सिस्टम पर। वट इज़ कंट्रोल सिस्टम, वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट, वट इफ इट इज़ नॉट। बेसिकली गर्ल्स कंट्रोल सिस्टम क्या है और इसका क्या रोल है, हमने ये देखना है। लेकिन इससे पहले, इसकी डिटेल में जाने से पहले, आप रिकॉल करना शुरू करें। जैसे अभी हमने होम्योस्टेसिस पढ़ा था और वो एक ब्रॉड टर्म थी,
ठीक है। और होम्योस्टेसिस किस पर डिपेंड कर रहा है? तीन एजेंट्स पर, और वो तीन एजेंट्स हमने पढ़ लिए हैं, वो है ऑस्मो रेगुलेशन, एक्सक्रीशन और थर्मो रेगुलेशन। तो गर्ल्स, अब ये एजेंट्स खुद इंडिपेंडेंट नहीं हैं, ये भी डिपेंड करते हैं इन कंट्रोल सिस्टम पर। तो कंट्रोल सिस्टम असल में काम कर रहा है, और ये कंट्रोल सिस्टम आगे हम इसके कंपोनेंट्स भी देखेंगे। तो हमने ब्रॉडर टर्म से हम नीचे की तरफ आ रहे हैं, ठीक है, हम डिसेंडिंग वे में चल रहे हैं। सबसे ब्रॉड टर्म होम्योस्टेसिस थी, वो एक डिपार्टमेंट है, उसने अपनी हेल्प ली है तीन एजेंट से, और तीन एजेंट्स खुद काम नहीं करे बल्कि वो फर्दर डिपेंड करें किस पर? कंट्रोल सिस्टम पर। तो ये कंट्रोल सिस्टम लिविंग ऑर्गेनिज्म में मौजूद होती हैं। जिस तरह होम्योस्टेसिस ने इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया एवोल्यूशन में, तो हम ये कह सकते हैं कि कंट्रोल सिस्टम ने एवोल्यूशन में रोल प्ले किया है। तो कंट्रोल सिस्टम बेसिकली कर क्या रहे होते हैं? इट हेल्प्स द ऑर्गेनिज्म टू अडैप्ट टू चेंजिंग एनवायरनमेंट एंड दस प्ले रोल इन एवोल्यूशन। इसका क्या मतलब है? कोई भी एनवायरनमेंट में चेंज आता है, तो उस चेंज एनवायरनमेंट में अपने आप को नए तरीके से ढालना अडैप्टेशन कहलाता है। हर ऑर्गेनिज्म चेंज्ड एनवायरनमेंट में अपने आप को एडजस्ट करता है, ठीक है, एडजस्टमेंट करता है। अब वो एडजस्टमेंट पॉसिबल किसके थ्रू है? कंट्रोल सिस्टम के थ्रू। ऑल द एजेंट्स ऑफ होम्योस्टेसिस डिपेंड ऑन कंट्रोल सिस्टम, अदरवाइज दे कैन नॉट वर्क, ठीक है। अगर होम्योस्टेसिस अपना काम एजेंट्स के थ्रू करता है, और अगर ये कंट्रोल सिस्टम एजेंट्स के काम नहीं करेंगे, तो होम्योस्टेसिस भी अपना फंक्शन परफॉर्म नहीं कर सकेगा। और अगर कंट्रोल सिस्टम डिस्टर्ब हो जाता है, उसका फंक्शन डिस्टर्ब हो जाता है, तो इसकी वजह से एबनॉर्मल कंडीशन आ जाएगी, जैसे फीवर। फीवर क्या है? बेसिकली इट इज़ द एबनॉर्मल कंडीशन ऑफ द इंटरनल बॉडी, ठीक है। नेक्स्ट इज द कंपोनेंट्स ऑफ कंट्रोल सिस्टम। तीन कंपोनेंट्स हैं कंट्रोल सिस्टम के, जिसमें पहला जो है वो रिसेप्टर है। नाम से ही जाहिर है, रिसेप्टर जो है वो रिसीव करता है स्टिमुलस, ठीक है। रिसेप्टर ने रिसीव किया स्टिमुलस, उसके बाद ये स्टिमुलस भेजा जाता है इनपुट इन्फॉर्मेशन की फॉर्म में कंट्रोल सेंटर को। कंट्रोल सेंटर क्या है? ब्रेन है या स्पाइनल कॉर्ड। दस कंट्रोल सेंटर डिफरेंट है कंट्रोल सिस्टम से, ठीक है। लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर कंट्रोल सेंटर मौजूद होते हैं, जो अपने अपने लेवल पर कंट्रोल कर रहे होते हैं बाहर की फ्लक्चुएशंस को, ठीक है। ये कंट्रोल सिस्टम ऑर्डर देते हैं इफेक्टर्स को, इफेक्टर जो है वो रिस्पॉन्स शो करता है। तो इफेक्टर ही की वजह से कोई भी ऑर्गेनिज्म रिएक्ट करता है, ठीक है। नेक्स्ट इज द कंट्रोल सिस्टम, होम्योस्टेटिक कंट्रोल मैकेनिज्म। तो गर्ल्स, हमारी बॉडी में भी कंट्रोल सिस्टम मौजूद है। लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने अपने बैलेंस को मेंटेन रखने के लिए कंट्रोल सिस्टम से हेल्प लेते हैं। ये कंट्रोल सिस्टम आपको जो नज़र आ रहा है डायग्राम में, इसमें जो एक कंडीशन है वो होम्योस्टेसिस की है, और उसके साथ ही दो इम्बैलेंसेस दिखाए हुए हैं, एक टू मच है और एक टू लिटल है। टू मच हम पहले ही पढ़कर आ गए हैं, ये हाइपर कंडीशन को शो करता है, और टू लिटल जो है वो हाइपो कंडीशन को शो करता है। यहाँ पर आपको एक स्टिमुलस दिखाया गया है। स्टिमुलस बेसिकली क्या है? वो कोई भी चेंज है एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में, और ये रिसीव हो रहा है रिसेप्टर से। रिसेप्टर इसको रिसीव कर रहा है, और रिसेप्टर हमारी बॉडी में या किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में, रिसेप्टर कोई भी सेंस ऑर्गन हो सकता है, सेंसरी न्यूरॉन्स हो सकती हैं, और स्किन जो है वो भी रिसेप्टर ऑर्गन के तौर पर काम करती है। इसके साथ ही गर्ल्स, आप लोगों को सेंसर नज़र आ रहा है। ये सेंसर क्या होता है? यहाँ पर हम आपकी बुक में भी, आप जब पढ़ेंगे, रीडिंग करेंगे अपने टॉपिक की, तो वहाँ पर आपको एक टेम्परेचर फिजिकल कंट्रोल सिस्टम का भी जिक्र किया जाएगा। उसमें क्या बताया हुआ है कि ये जो लिविंग कंट्रोल सिस्टम होता है, ये फिजिकल कंट्रोल सिस्टम से मिलता जुलता है। जैसे फिजिकल कंट्रोल सिस्टम में जो सेंसर है वो डिटेक्ट करता है कोई भी चेंज एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में। अगर वो चेंज ड्रॉप इन टेम्परेचर है, तो वो जाके इनपुट इन्फॉर्मेशन देगा कंट्रोल सेंटर को, और उसके नतीजे में हीटिंग का रिएक्शन जो है वो शो किया जाएगा। और अगर टेम्परेचर जो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में चेंज हो रहा है वो ज़्यादा है, तो उसके नतीजे में जो इनपुट इन्फॉर्मेशन है वो कंट्रोल सेंटर को दी जाएगी, और कंट्रोल सेंटर जो है वो उसके ऑपोजिट वर्क करेगा। तो इस तरह ये इन्वर्स हमेशा रिस्पॉन्स शो किया जाता है। ड्रॉप होगा टेम्परेचर तो हीटिंग रिस्पॉन्स आएगा, अगर अगर टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो कूलिंग रिस्पॉन्स दिया जाएगा। सेम इज़ द केस इन द लिविंग कंट्रोल सिस्टम, कि अगर रिसेप्टर ने रिसीव किया स्टिमुलस और उसने इनपुट इन्फॉर्मेशन कंट्रोल सेंटर को दिया है, कंट्रोल सेंटर ने वो आउटपुट इन्फॉर्मेशन
दी है इफेक्टर को। इफेक्टर क्या है? कोई भी मसल है, कोई भी ग्लैंड है, अगर वो मसल्स हैं, स्केलेटल मसल्स हैं, वो भी रिएक्शन शो करेंगे कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन के थ्रू। और इसी तरह अगर वो ग्लैंड हैं तो वो हार्मोनल सिक्रीशन के थ्रू अपना रिएक्शन शो करेंगे, और इस तरह इफेक्टर ने रिस्पॉन्स शो करना है। बस यहाँ पर आपको ये बात समझनी ज़रूरी है कि ये जो कंट्रोल सिस्टम है ये बेसिकली किसी भी एक्सटर्नल फ्लक्चुएशन से कोप अप करने के लिए बॉडी को इनवर्स रिस्पॉन्स शो करने के काबिल बनाता है। ठीक है, ये हम आगे भी जाके अभी नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस करते हैं। एक एग्जांपल दी हुई है नेगेटिव फीडबैक की। नेगेटिव फीडबैक क्या होता है? ये आपको यहाँ पर दो इम्बैलेंसेस दिखाए हुए हैं। अगर बॉडी टेम्परेचर इंक्रीज होगा तब क्या होगा, अगर बॉडी टेम्परेचर डिक्रीज होगा तब क्या होगा। जैसे ही ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो हमारा जो कंट्रोल सिस्टम है वो उसके इनवर्स रिएक्शन शो करेगा। जैसे अगर बॉडी टेम्परेचर इंक्रीज हो गया है, जैसे गर्मियों में बॉडी टेम्परेचर बाहर का इंक्रीज हो जाता है तो उसके नतीजे में कूलिंग प्रोसेस एक्टिवेट हो जाता है, मतलब स्वेटिंग हो जाएगी, पसीना आएगा, उसकी वजह से हमारा बॉडी टेम्परेचर कम हो जाएगा और नॉर्मल लेवल पर आ जाएगा। इसी तरह विंटर में अगर बॉडी टेम्परेचर बाहर का डिक्रीज होता है, बेसिकली गर्ल्स ये ड्रॉप इन टेम्परेचर की ये चेंज आ रहा है एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में, और उससे कोप अप करने के लिए हमारी बॉडी इनवर्स रिएक्शन शो कर रही है, नेगेटिव फीडबैक इसे जिसे हम कहते हैं। तो अगर बॉडी टेम्परेचर डिक्रीज होता है तो उसके नतीजे में हीटिंग प्रोसेस एक्टिवेट हो जाता है, शिवरिंग होना स्टार्ट हो जाती है, और दोबारा जैसे ही बॉडी टेम्परेचर नॉर्मल आ जाता है, टॉलरेबल रेंज में आ जाता है, तो ये पूरा मैकेनिज्म स्टॉप हो जाता है। आपके टॉपिक की लास्ट स्लाइड है और इसमें आपको नजर आ रहा होगा एक येलो बॉक्स। इस येलो बॉक्स को आप देख सकते हैं, इसके अंदर सेल्स बनाए गए हैं। तो बेसिकली ये बॉडी का इंटरनल इन्वायरमेंट है और इसके बाहर का जो इन्वायरमेंट है वो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट है। इसमें आपको कुछ एरोज दिखाई दे रहे होंगे। ये बेसिकली एरोज क्या हैं गर्ल्स? ये वाइडर रेंज को शो कर रहे हैं। किसकी वाइडर रेंज? फ्लक्चुएशंस की। फ्लक्चुएशन जो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में आ रही होती हैं वो ड्रास्टिक होती हैं, ऑब्जर्वेबल होती हैं, वाइड होती हैं। ठीक है, अब इसके मुकाबले में अगर हम यही फ्लक्चुएशन इंटरनल इन्वायरमेंट में देखें तो ये एरो आपको नज़र आएगा, ये छोटे साइज़ का है। क्यों? क्योंकि कंट्रोल सिस्टम ने बाहर की फ्लक्चुएशन से को कंट्रोल करके इस रेंज को और नैरो कर दिया है। ठीक है, और अगर आप और नीचे जाएं, यहाँ पर सेल की मेम्ब्रेन पर आपको इंट्रा सेलुलर लेवल पर एक कंट्रोल सिस्टम दिखाई देगा और उसके नीचे और छोटे साइज़ का एरो है। ये जो एरो शो कर है और नैरोअर फ्लक्चुएशन को, तो बाहर के इन्वायरमेंट में जो फ्लक्चुएशन आती हैं वो वाइडर होती हैं, वाइड होती हैं, उसके मुकाबले में जो इंटर सेलुलर लेवल पर आती हैं वो नैरोअर होती हैं। ठीक है, तो ये कैसे पॉसिबल है? क्योंकि कंट्रोल सिस्टम वर्क कर रहे होते हैं हर लेवल पर, जैसे एक इंटर सेलुलर लेवल पर और इंट्रा सेलुलर लेवल पर, हर लेवल पर कंट्रोल सिस्टम ने एक इंटरनल इन्वायरमेंट सेटअप किया हुआ है जिसके नतीजे में वो बाहर की फ्लक्चुएशन से बॉडी को बचाएगा।